किच्छा में पट्टे की आड़ में अवैध तरीके से खनन कर रहे कारोबारियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी कौस्तुम मिश्र, उप निदेशक खनन निदेशक और तहसील गिरीश चंद्र त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने कनमन में खनन माफियाओं पर छापेमारी करते हुए प्रशासन की टीम ने मौके से दो डंपर और एक मशीन को सीज किया। एसडीएम ने कहा कि अवैध खनन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन माफियाओं पर यह बड़ी छापेमारी है, दो डंपर और एक मशीन को सीज किया गया। अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है और अवैध खनन माफियाओं पर जो छापेमारी हुई है, अब एक एक करके कार्रवाई होगी। किसी भी अवैध काम पर शिकंजा कसा जाएगा और माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। दो डंपर और एक मशीन को सीज कर दिया है, पुलिस लगातार कार्रवाई करने में लगी हुई है। निर्देश प्राप्त हो रहे थे, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि आप टीम बनाकर जो है छापेमारी कार्रवाई करें। जिस क्रम में उपनिदेशक खनन जिले से उपस्थित थे, उनके साथ जो है आज तहसील की टीम ने छापेमारी की है और जिसमें दो डंपर और एक जेसीबी वाहन सीज किया गया है। कुछ वाहन भागे भी हैं, उनकी रेकी की जा रही है। इसके साथ ही जो शिकायत आ रही थी कि लगातार ओवरलोड के माध्यम से जो यात्रियों को परेशानी हो रही थी, उसका भी संज्ञान लिया गया है और लगातार 48 घंटे इसमें अभियान चला के सघन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।